आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार के द्वारा अलग अलग स्तर पर काम किया जा रहा है। नगर निगम ने चिरमिरी में इसी उद्देश्य से समाधान शिविर आयोजित किया। यहां पर काफी संख्या में लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी समस्याओं का निराकरण कराया। समाधान शिविर की श्रृंखला कोरिया जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चलाई जा रही है और इसके अंतर्गत काम किया जा रहा है। जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में चिरमिरी में शिविर आयोजित करने के साथ लोगों के आवेदन प्राप्त किए गए और इनका समाधान किया गया। शिविर के उद्देश्य के बारे में कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने लोगों को जानकारी दी। कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि राजस्व के अलावा पेंशन और राशन संबंधी मामलों का निराकरण किया जा रहा है। जो विभिन्न समस्याएं थी लोगों की, उनका समाधान यहीं पे किया गया। इसके अतिरिक्त दिव्यांग शिविर में जो दिव्यांग भाई बहन हैं, यदि वो किसी कारण से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं आ पा रहे थे तो उनकी समस्याओं का संज्ञान लिया गया। उनके चाहे वो आधार कार्ड की बात हो, विकलांगता प्रमाण पत्र की बात हो या सहायक उपकरणों के वितरण की बात, उनको यहीं पर प्रदान किया गया है। विधायक विनय जायसवाल ने सरकार के द्वारा लोगों को राहत देने के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी और बताया कि समाधान शिविर से लोगों को सहूलियत हो रही है। दिव्यांगजनों की बात करें तो उनको हमेशा दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे। अभी कोई नाक कान का डॉक्टर है कि नहीं, हड्डी का डॉक्टर है कि नहीं, तो ये व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से कि सीधे डॉक्टर भी यहाँ है, यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सीधे दिव्यांगजन यहाँ आ रहे हैं, उनका परीक्षण हो गया, सीधे उनको उनका प्रमाण पत्र मिल रहा है जिससे उनको पेंशन का लाभ मिल सके, सरकारी नौकरी में लाभ मिल सके। इसी प्रकार से अगर राशन कार्ड की बात करें, अभी जो ऋण पुस्तिका बांटने की काम करें, तो लगातार जो सरकार की वेबसाइट है वो सीधे उनको लाभ पहुंचाए। शिविर में लोगों को प्रमाण पत्रों का वितरण करने के साथ सहायक सामग्री उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर महापौर कंचन जायसवाल, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल सिंह ठाकुर सहित प्रशासन के अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कोरिया से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।